बाबा तेरी सोच पे ठोके, बाबा तेरी सोच पे ठोके, बाबा तेरी सोच पे ठोके, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा तेरी सोच पे पहले दियांगे ठोके, बाबा तेरी सोच पे पहले दियांगे ठोक। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल तमाम मुल्क के निवासियों को, साथियों, जैसे कि आप सबको पता है आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का 132वां जो जन्म दिवस है पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर और बटवाल एसोसिएशन, ऑल इंडिया बटवाल एसोसिएशन के बैनर तले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे कौशल जी हैं, कुलदीप जी हैं, मनदीप जी हैं और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और आरसपुरा के निवासी हैं, हम सब मिलकर आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के स्टैचू के सामने उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी जो संविधान बनाया था उन्होंने, उस संविधान के तहत पूरा मुल्क आज चल रहा है, पूरी दुनिया में उनका नाम चल रहा है। उसी के बैनर तले आज भी हम चौहाला मोड़ से लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के स्टैचू तक हमने पैदल मार्च निकाला, एक कैंडल रैली की शक्ल में आए। सभी शहर के निवासी मोहतवार लोग हमारे साथ थे, कई सरपंच भी थे, पंच भी थे और अपना जो एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी का के बैनर तले हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। हम आए हुए तमाम साथियों को शुक्रिया अदा करते हैं और हम अपील करते हैं देश के नौजवानों से कि बाबा साहब का जो कानून है, जो संविधान है, उसको घर घर तक पहुंचाए। और हमारा यही कहना है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशों को छोड़कर देश की तरक्की में, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें और अच्छे कामों की तरफ दें। शुक्रिया। मुबारक का दिन है, जन्मदिन जो मनाया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, कुछ नहीं होता, पूरे देश में धूमधाम से थोड़ा कल तो मेन है, आज हम एडवांस ही एक दिन मना रहे हैं यहाँ आरसपुरा में। मेरे साथ आरस जी खड़े हैं, चेयरमैन ट्रैक्टर यूनियन के, और साथी काफ़ी खड़े हैं और भी जाने पहचाने लोग जो क्रीम है आरसपुरा की, तकरीबन सभी लोग अभी कुछ चले भी गए हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन है, ये जो देश को जोड़ने का आईन विधान जो उन्होंने बनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, हर एक को एजुकेशन और तरक्की विकास की तरफ और हर के अधिकारों को अपने अपने संरक्षण के लिए देश को एक रास्ता दिखाया और आईन विधान को तैयार करके समक्ष रखा और उसी से आज हमारा देश जो है यूनिटी विकास की तरफ बढ़ रहा है और आगे और भी तरक्की करे